अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विंटर स्पेशल कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी। ये आइसक्रीम बिल्कुल कमर्शियल तरीके से मैंने बनाना सिखाई है और ये ना सिर्फ स्टोर बॉट यानी बाज़ार जैसी तैयार होती है बल्कि बहुत ही क्रीमी, रिच और स्टिकी च्यूई टेक्स्चर इसका बनकर तैयार होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 3/4 कप मिनी चॉकलेट चिप्स, ये देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं तो आप चॉप की भी चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 300 ml या 14 oz का जो स्टैंडर्ड कैन आता है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क का, वो इस्तेमाल कर लें। या फिर मैं होममेड सिखा चुकी हूँ तो तकरीबन 1 कप आपको चाहिए होगा स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क और ये चीनी की जगह पर इस्तेमाल होगा। 2 tablespoons आपको चाहिए होगी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट मीन्स ये जैसे ही आप पानी में इसको डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाती है इजीली। साथ में ही आपको चाहिए होगा 4 tablespoons गर्म पानी। ये अभी गर्म नहीं है, मैं इसको गर्म करूँगी फिर इसमें कॉफ़ी को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। और आइसक्रीम बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगी हैवी व्हिपिंग क्रीम, 2 कप है ये, चिल्ड ठंडी, फ्रीजर में नहीं रखना आपने, बस ठंडी होनी चाहिए ताकि व्हिप होने में आसानी हो जाए। 35% फैट कंटेंट के साथ मिलती है ये क्रीम और ये वही क्रीम होती है जो केक के ऊपर भी, जब आप इसको व्हिप करते हैं तो इसके स्टिफ पीक्स बन जाते हैं और अच्छी ये सेट हो जाती है केक पे। तो दिस इज़ द सेम क्रीम आई एम यूजिंग। तो आइसक्रीम बनाने के लिए और केक बनाने के लिए सेम क्रीम ही इस्तेमाल की जाती है। तो पानी को सबसे पहले ये मैंने गर्म कर लिया माइक्रोवेव में 30 seconds और अब इसमें ऐड कर रहे हैं कॉफ़ी पाउडर और मिक्स कर लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि कॉफ़ी को गर्म पानी के साथ मिक्स करने का एक रीज़न है, वो ये कि जब कॉफ़ी के ये जो बीन्स होते हैं वो गर्म पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उनका फिर फ्लेवर मैक्सिमम आता है। दैट्स वाई गर्म पानी ही लीजिएगा और बस अब इसको ठंडा कर लेना है कम्प्लीटली, बिल्कुल इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। गर्म आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही कॉफ़ी का मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसको आपने कंडेंस्ड मिल्क के साथ मिक्स कर देना है वेरी वेल। इस तरह से ये स्टेप कर लेने से मिक्सिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो विस्क थे इनको भी मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था 20-25 मिनट से, ये भी छिल हुए हैं, ये बोल भी ठंडा है और अब मैं इसको व्हिप करूँगी इतना कि ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के थोड़ी थिक होने लगे। यहाँ पर ये देखिए क्रीम इस तरह से जब इतनी थिक होने लगे तो आपने बीटिंग को स्टॉप कर देना है। और अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता ये कॉफ़ी और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर ऐड करती जाऊंगी और स्लो टू मीडियम स्पीड पर साथ में बीट भी करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रीम मैंने पूरी व्हिप अभी नहीं की क्योंकि एक स्टेप इसका और करना है। तो बस अब इसको मैं आइसक्रीम कंटेनर में निकाल रही हूँ।
थोड़ा सा टैप करें और अब मैं इसको कवर करके फ्रीज़र में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। पूरी नहीं जमेगी, थोड़ी सेट हो जाएगी, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। अब यहाँ पर 3 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। अब ये वो स्टेप है जो कमर्शियल लेवल पर भी किया जाता है, सो दिस इज़ कॉल्ड ओवर रन। बेसिकली यहाँ पे एयर जो है वो आइसक्रीम में इनकॉर्पोरेट की जाएगी बीटर के थ्रू। आप हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो स्टेप है जिसकी वजह से आइसक्रीम क्रीमी, रिच, डेंस, चुई और स्टिकी तैयार होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच बीच में बीटर को रोक कर इस तरह से ये जो साइडों पर जमी हुई आइसक्रीम है इसको आपने स्पून से या स्पैचुला से इस तरह से स्क्रेप करते जाना है और स्लो स्पीड पर बीट करना है। अगर आप बीटर की स्पीड को ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ज़्यादा एयर आइसक्रीम में भर जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मेक श्योर आप इस प्रोसेस को सिर्फ स्लो स्पीड पर ही करेंगे जब तक कि पूरी आइसक्रीम इस तरह से स्मूथ तैयार ना हो जाए। तो आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं लिटरली कि ये कितनी स्ट्रेची है। आखिर में ये मिनी चॉकलेट चिप्स इसमें ऐड करके मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये आइसक्रीम बहुत मजे की बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एक और चीज़, चॉकलेट चिप्स पहले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि आइसक्रीम का मिक्सचर इतना थिक नहीं था। अब ये देखें आप, ये इतना थिक मिक्सचर है कि चॉकलेट चिप्स इसमें सिंक नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड चॉकलेट चिप्स। कुछ ये इस तरह से आखिर पे डाल दें, इट विल लुक नाइस। वैक्स पेपर या बटर पेपर से आप इसको कवर कर दें ताकि आइस के क्रिस्टल्स आइसक्रीम में ना जाएं, और फिर सील कर दें फॉयल से, फ्रीज करें 5 से 6 घंटा। तो यहाँ पर तकरीबन 6 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा, आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है। और अब आपके सामने मैं इसके कुछ स्कूप्स निकालूंगी और दिखाऊंगी इसका फाइनल प्रोडक्ट। और आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आइसक्रीम के स्कूप्स बन रहे हैं। मैंने जो आइसक्रीम स्कूपर है उसको मैंने बिल्कुल भी गर्म पानी में डिप नहीं किया, डायरेक्टली इसके स्कूप्स बन रहे हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टोर बॉट आइसक्रीम के बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कमर्शियल स्टोर बॉट कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। पिक्चर्स आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, यूज़र नेम है humainthekitchen, और ज़रूर ट्राई करें। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम की रेसिपी बन जाएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।